उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जारी विवाद सुलझ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। यूपी के सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सपा ने एमपी की बुधनी सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार रात एक्स पर पोस्ट कर यूपी की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश ने यह ऐलान राहुल गांधी से फोन पर हुई बातचीत के बाद किया है। यूपी की सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी, लखनऊ।